हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिला अभिभाषक संघ ने किया पत्रकार दिवस का आयोजन। 25 चिन्हित केसों को 66 दिन में निपटाने के निर्णय पर जताई आपत्ति। आज जिला अभिभाषक संघ कार्यालय में सभी वकीलों और अन्य सदस्यों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए विरोध जताया गया। बताया गया कि जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया है, जिसमें 25 चिन्हित केसों को सीमित समय में निपटाने के लिए कहा गया है। प्रक्रिया काफी जटिल होने, पक्षकारों के साथ परेशानी होने और वकीलों के ऊपर भी अतिरिक्त भार पड़ने पर ऐसे निर्णय को वापस लेने की मांग की गई। विरोध स्वरूप आज पत्रकार दिवस मनाते हुए सभी अभिभावकों ने इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। इस दौरान जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष एडवोकेट केजी महेश्वरी ने बताया कि पूरे जिले और प्रदेश भर में इस प्रकार से पत्रकार दिवस मनाया जा रहा है। पक्षकारों पर उस पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। प्रतिदिन तारीख पेशी पर पक्षकार आएंगे, गवाहों को लेकर के आएंगे, उन पर खर्च पड़ेगा और फिर इतनी जल्दी शीघ्रता में निराकरण नहीं हो पाएगा। इसका परिणाम जो होगा कि वो न्याय से वंचित हो जाएंगे और जब न्याय से वंचित हो जाएंगे तो लोगों को फिर न्यायालय में आने से कतराने लगेंगे। ऐसी स्थिति में ये रहना चाहिए कि समय मिलना चाहिए जिससे कि हर पक्षकार अपना पक्ष को रख सके। इसमें त्रुटि कोई वकीलों की है, पक्षकारों की नहीं है। न्यायालय में काम का अधिक बोझ है, न्यायालय कम है, इस वजह से प्रकरणों में लंबित हुए उसकी सजा पक्षकारों या वकीलों को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित दिशा निर्देश जिसमें बताया गया है कि चिन्हित 25 केसों को 66 दिवस के अंदर निराकरण करना है, इस कारण से विचारण न्यायालय में कार्य की अधिकता तथा पक्षकारों को अपना पक्ष रखने में असुविधा हो रही है। अधिवक्ता साथियों को भी अपना न्यायालय के समक्ष पक्ष रखने में समुचित अवसर नहीं मिल पाता। इस संबंध में हमने माननीय उच्च न्यायालय में ज्ञापन दिया है तथा पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि आज हम प्रतिवाद दिवस मनाएंगे।